अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक न्यू स्क्रीन हम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जो न्यू स्क्रीन हमने बनानी है वो एक न्यू विजेट ही हमने क्रिएट करना है। अभी तक हम बने बनाए विजेट्स यूज़ करते आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अपना एक विजेट बनाएंगे जो कि एज अ स्क्रीन, न्यू स्क्रीन काम करेगा। और फिर हम देखेंगे कि कैसे इस बटन पर क्लिक करके, ये जो लॉगिन का बटन हमने बनाया है, हम उस स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना है इधर लिब के अंदर, आपने एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है, कुछ भी उसको नाम दे दें, जैसा कि मैं उसको होम पेज कह देता हूँ। यहाँ आपने क्या करना है, एस टी लिखना है। एस टी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ हिंट शो होगा, ऑप्शन शो होंगे कि आपने स्टेटफुल विजिट क्रिएट करनी है या स्टेटलेस विजिट क्रिएट करनी है। तो हमने क्या करना है, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। अब स्टेटफुल क्या होती है, स्टेटलेस क्या होती है, इस पे हम बात कर चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो कोई भी इनमें से सेलेक्ट करें, क्या होगा, यहाँ पर क्लासेस बनी आ जाएंगी। अब जैसा कि मैं स्टेटफुल को क्रिएट करता हूँ तो क्या होगा, ये उसकी दो क्लासेस बनी हुई आ गई, स्टेट की भी और विजिट की भी। तो इधर अगर आप देखेंगे तो ये नेम हाईलाइट हुआ हुआ है, यहाँ पे आप नेम लिख दें क्लास का, जो भी आपके इस विजेट का नाम होगा। तो ये लिखने के बाद अभी भी देखें, ये ना हर जगह कर्सर स्टिक हुआ हुआ है, तो यहाँ पे एस्केप का की आपने दबा देना ताकि ये इसको छोड़ दे, वरना आप जहाँ जहाँ भी टाइप करते रहेंगे वो इनमें चेंज आता रहेगा, हर जगह रिप्लेस होता रहेगा। तो उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है किसी भी स्क्रीन का, स्कैफोल्ड है जो कि स्क्रीन के तमाम पार्ट्स को डिफाइन करता है ये, तो इसको हम लेंगे। फिर इसके बाद इसमें ऐप बार है जैसा कि आपको पता है, और बॉडी है, उसको हम डिज़ाइन कर लेंगे। सेंटर का विजिट क्या करता है कि इसके अंदर आप जो भी चीज़ लेंगे ये उसको सेंटर में शो करवा देगा, जैसा कि मैं इसके अंदर टेक्स्ट ही सिंपल एक ले लेता हूं, तो ये क्या करेगा, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में टेक्स्ट को शो करवाएगा। सो ये एक मैंने ले लिया यहां पे विजिट। तो अब एक तरह से हमने ना ये डिज़ाइन कर लिया अपनी स्क्रीन। अब अगला सवाल है कि जी हमने यहाँ पे आना कैसे है, इधर बटन पे क्लिक करके, लॉगिन के बटन पे क्लिक करके। तो उसके लिए एक क्लास होती है नेविगेटर की, जो कि इधर विजिट्स के अंदर नेविगेशन के लिए यूज़ होती है। तो इसमें अगर आपने किसी विजिट को ओपन करवाना है, न्यू विजिट को ओपन करवाना है, तो उसके लिए मेथड्स मौजूद हैं ये पुश के, जिनमें सबसे पहले आ जाता है पुश का, फिर आता है पुश रिप्लेसमेंट का, और फिर ये है पुश एंड रिमूव अनटिल। आपको कुछ ये मेथड्स सेम जो तीन मैंने बताए हैं उन्हीं जैसे ये कुछ मेथड्स नज़र आ रहे होंगे, जिनके साथ नेम नेम लिखा आ रहा है। तो ये नेम्ड वाले मेथड्स जो बेसिकली होते हैं, ये वेब के अंदर नेविगेशन के लिए यूज़ होते हैं। जैसा कि आप किसी वेबसाइट को विज़िट करें तो उसकी मेन डोमेन के बाद जो उसके अंदर पेजेस होते हैं या मज़ीद आगे स्लग्स आ रहे होते हैं, जैसे स्लैश अबाउटस, स्लैश कॉन्टैक्टस, इस तरह के पेजेस के नाम आ रहे होते हैं, मतलब आप डायरेक्टली एड्रेस बार में पुट करके उन पेजेस पे जा सकते हैं। तो अगर हमारी फ्लटर ऐप के अंदर हमने वो सपोर्ट करवाना है कि ये कैसे मीन्स हम डायरेक्टली पेज का नाम लिखें वहाँ पर, वो उधर ओपन हो जाए, तो उस सूरत के लिए आपने क्या करना, पुश नेम्ड वाले मेथड्स यूज़ करने हैं। लेकिन अगर आप सिंपल पुश वाले मेथड्स यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, अब आपकी ऐप ये वेब पे रन तो होगी, लेकिन आप डायरेक्टली स्लग्स टाइप करके ऊपर आप नेविगेशंस नहीं करवा सकते, नेविगेशंस आपकी ये बटन्स वगैरह के थ्रू ही होंगी। तो ये फ़र्क होता है इनके अंदर। सो पुश का मेथड क्या करता है, पुश का मेथड ये करता है कि एक विजिट नए को ओपन कर देगा ऑलरेडी मौजूद विजिट्स के ऊपर। ये बेसिकली ना एक स्टैक जैसा काम करता है, स्टैक में क्या होता है, एक चीज़ नीचे पड़ी है फिर ऊपर 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 उसके आते जा रहा है, जैसे हम बुक्स को ऊपर नीचे रख दें किसी टेबल पे, तो वो एक स्टैक की शक्ल होती है।
तो होगा क्या इससे, जैसा कि ये माई फर्स्ट ऐप वाला पेज हमारा ओपन है, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर एक और विजेट जो हम नया इसमें नेविगेट करवाएंगे जिस पे, तो वो ओपन करवा देगा। तो उसके नीचे ये भी पड़ा है, हम क्या करेंगे अगर बैक आते हैं उस पेज से, तो बैक पीछे इस स्क्रीन पे आना पॉसिबल होगा पुश के ज़रिए। और अगर मैं कर देता हूँ पुश रिप्लेसमेंट, तो जैसा कि इसका नाम से ही जाहिर है, ये क्या करेगा, इस करंट विजेट को रिप्लेस करके न्यू पे जाएगा। फिर आपके पास इस स्क्रीन पे बैक आने का ऑप्शन नहीं होगा, मींस बैक क्लिक करके वैसे तो आप आ सकते हैं, अगर उसी न्यू स्क्रीन के अंदर दोबारा नेविगेशन लगा के इस स्क्रीन पे आ जाएं उस तरीके से तो आ सकते हैं, लेकिन बैक करके नहीं आ सकते। तो पुश में बैक आने का ऑप्शन होता है, रिप्लेसमेंट में बैक आने का ऑप्शन नहीं होता। और पुश एंड रिमूव एंटिल क्या करता है, ये पीछे मौजूद जितने विजेट्स हैं उनको रिमूव करवाता है अनटिल जहाँ तक आप चाहते हैं। अगर कोई इसमें कंडीशन पुट कर देना आप कि अगर ऐसा आ रहा है तो उस विजेट को छोड़ दे, बाकी सारे ये क्या कहते हैं उनको करता जाए रिमूव, तो कंडीशन भी आप इसमें लगा सकते हैं। और अगर कंडीशन नहीं लगाते तो ये क्या करेगा, अगर पूरे ऐप का लाइफ साइकिल में जितने विजेट्स पीछे ओपन थे सबको क्लोज करवा के नए विजेट को एज अ न्यू स्क्रीन ओपन करवा देगा। तो इसे डिफरेंट सिनेरियोज में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि साइन अप जब हम करवा रहे हो तो साइन अप आपका हो रहा है 3 से 4 स्टेप्स के अंदर, एक विजेट है पहले एक स्क्रीन आई है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ली, दूसरी स्क्रीन आई उसमें और इन्फॉर्मेशन ली, तीसरी में आपने और ली, वो पीछे सारी ओपन है, मतलब बैक भी आप उन पे जा सकते हैं। तो एंड पे जो स्क्रीन आती है उसमें फाइनल आपने करना होता है सारी इनपुट्स को इकट्ठा करके, तो साइन अप करवा देना है और फिर क्या करना है उसको लॉग इन पेज पे या होम पेज पे लेके जाना है, पिछली सारी स्क्रीन्स जो ओपन थी साइन अप की उनको बंद करके। तो उस सूरत में आप इसको रिमूव अनटिल को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं पुश से। इसमें जो राउट का ये सेकंड है पैरामीटर, इसमें क्या होगा, इसमें आपने पास करना होता है मटेरियल पेज राउट। तो इसके अंदर एक बिल्डर का मेथड है, फंक्शन है, जिसमें क्या पास होता है जी, कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा होता है। और यहाँ आपने रिटर्न करना होता है वो विजेट जिस पे आप जाना चाह रहे हैं, तो वो हमने बनाया था माई होम के नाम से, तो वो लगा देंगे। और इससे क्या होगा जी, अब अगर हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम न्यू स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो लॉगिन पे मैंने प्रेस किया तो ये आप देख सकते हैं कि होम पेज ओपन हो गया जिस पे हमने लिखा था वेलकम टू होम पेज। तो ये बैक का बटन भी आ रहा है, पुश जब करके आप जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऐप बार के अंदर आता है और इस पे क्लिक करके आप बैक आ सकते हैं। और अगर मोबाइल के अंदर आप हैं तो एंड्रॉयड के अंदर आप जो नीचे नेविगेशन आ रही होती है, कीज़ आ रही होती है, उन पे भी प्रेस करके बैक ऐसे ही आ सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं नेविगेट। अगर आपने पुश रिप्लेसमेंट यूज़ करना है तो उसका भी तरीकाकार ये सेम ही है, बस आपने क्या करना है पुश रिप्लेसमेंट का मेथड यूज़ करना है अंदर, बाकी सारी चीज़ें वही रहने देनी है। सो इससे बस फ़र्क ये होगा कि अगर आप यहाँ से आगे मूव करेंगे तो पीछे अब ये ओपन नहीं है, वो विजेट क्लोज हो चुका है। आप देखें यहाँ पे बैक का बटन भी नहीं आ रहा, अब आप बैक नहीं जा सकते। तो ये फ़र्क है पुश रिप्लेसमेंट में और अकेले पुश में। सेम ऐसे ही जो आपका पुश एंड रिमूव एंटिल है उसमें ज़रा सा चेंज है, उसको भी हम देख लेते हैं अभी। तो अगर मैं यहाँ पे पुश एंड रिमूव एंटिल यूज़ करता हूँ तो इसमें क्या फ़र्क है, इसमें यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है, फंक्शन होता है बेसिकली, जिसमें आपके पास आ रहा होता है यहाँ पे पीछे जो पड़े हैं ना राउट्स, ये बेसिकली क्लोज करता जाएगा क्लोज करता जाएगा, तो यहाँ पे राउट चेंज होते जाएंगे। आप इस पे कंडीशन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी को क्लोज नहीं करना तो आप यहाँ पे उसके लिए ट्रू रिटर्न करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जी जितनी स्क्रीन्स आ रही हैं पीछे वो सारी बस क्लोज हो जाए और जो ये न्यू मैंने पास की है वो ओपन हो जाए, तो फिर इसको फॉल्स छोड़ दें। ये क्या करेगा, पीछे मौजूद सारी स्क्रीन्स को सारी विजेट्स को क्लोज कर देगा और न्यू पे आपको लेके चला जाएगा। तो फर्ज़ किया अगर पीछे यहाँ पे 10 स्क्रीन ओपन थी तो वो सारी अब क्लोज हो चुकी हैं, तो अब हम न्यू स्क्रीन पे आ गए हैं। तो इस तरह से आप नेविगेशंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा
अब फॉर एग्जांपल हम दोबारा जाते हैं जी पुश वाले मेथड पे, बैक आने का जहाँ पे ऑप्शन था, तो एक दफ़ा इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे हम विजेट को ओपन करवा रहे हैं वैसे ही किसी भी विजेट को क्लोज भी करवाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक बटन, तो इसको मैं रैप कर लेता हूँ कॉलम के अंदर, कॉलम को हम कर लेते हैं सेंटर लाइन। इधर हम लिख लेते हैं जी गो बैक। अब इस पे क्लिक करके मैंने क्या करना है, जो ये करंट विजेट है हमारा बेसिकली ओपन ये स्क्रीन न्यू, उसको ही हमने करवाना है क्लोज, मींस बैक आना है इस स्क्रीन पे दोबारा। जैसे हम उस आइकन पे क्लिक करके आ रहे हैं वैसे हम इधर बटन पे क्लिक करके वापस आएंगे, तो वो कैसे होगा उसको देखते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे हम आ गए, अब इसकी प्रेस पे हमने जाना है बैक, जैसा कि ये ऑटोमेटिकली जा रहा है इधर बैक पे क्लिक करने से। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि ये एक विजेट के ऊपर एक विजेट ओपन है, तो करंट विजेट को क्लोज करवाने के लिए जिस विजेट में आप इस वक्त हैं, जिसमें इसको कोड को हम कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ यूज़ होता है जी ये पॉप का मेथड। जैसे पुश का मेथड है, पुश है ओपन करवाने के लिए, स्टैक के अंदर चीज़ें ऐड करवाने के लिए, और पॉप है निकालने के लिए। तो ये अगर हमारी विजेट्स की जो स्टैक एक बनी हुई है उसमें से इस विजेट को निकालना है, इसको क्लोज करना है, इसको रिमूव करना है, तो क्या करेंगे हम पॉप यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो अब अगर मैं गो बैक पे प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये वो विजेट स्टैक से निकल गई और बैक में यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप पुश करके न्यू स्क्रीन पर भी जा सकते हैं और किसी भी विजेट को जो ओपन है उसको क्लोज भी करवा सकते हैं पॉप को यूज़ करके। आई होप इसकी चीज़ की आपको समझ आई होगी। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।